अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद जुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर ब्रेड पकौड़ा। इसके लिए हमने पनीर ले लिया है, घर का बना हुआ पनीर है। और उसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसन डाल देंगे। बेसन कितना है? एक कटोरी बेसन है ये। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 टीस्पून, 4-5 हरी मिर्ची जाएगी इसमें, ये चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून है, और ये 1 प्याज है महीन 1 टीस्पून, नमक जाएगा थोड़ा सा, और भुनी कुटी हुई धनिया है ये 1 टीस्पून, ये भी जाएगी। जीरा है भुना पिसा हुआ 1/2 चम्मच। और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, थोड़ा सा पानी मिला देंगे। पीस एक जाएगा इसको फ्लफी बनाने के लिए। फ्लफी एंड सॉफ्ट बनेगा। मिर्ची नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तेल डाल देंगे तलने के लिए, इसको फ्राई करने के लिए। मिनट हो चुका है हमारे बैटर को रेस्ट होते हुए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले ऑयल डाल के हाई फ्लेम करेंगे और डालने के बाद में मीडियम को फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम कर देंगे। और इसको पलट लेंगे।
जब दोनों साइड से सिक जाएं तो इनको निकाल लेंगे गोल्डन फ्राई होने पर। ये पकौड़े खाने में बहुत ही लजीज होते हैं, आप लोग बनाइएगा ज़रूर और हमको कमेंट करिएगा कमेंट में कि कैसे बनाए हैं आप लोगों ने। कर देंगे और दूसरा पैर डाल देंगे। इसको भी पलट लेंगे दूसरे साइड से भी। और इसको निकाल लेंगे इसी तरह से सारे बना लेना। सारे जितने हों आप लोग सारे बना दीजिए इसी तरह से। और ये पनीर पकौड़े रेडी हो रेडी है। ये देखिए अंदर से फ्लफी है बाहर से क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग लहसुन की चटनी या फिर केचप से या हरी धनिया की चटनी से खाइए। अल्लाह हाफिज़।